हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा बोर्ड 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बोर्ड 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। Who bought more fruit? तो हमें फाइंड करना है किसने सबसे ज्यादा फ्रूट्स खरीदे। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोस। प्लस करेंगे हम, देखिए ग्राम का ग्राम यहाँ पर 0 + 0 = 0, 5 + 0 = 5, 3 + 2 = 5 एंड केजी 5 + 3 = 8। तो श्यामा ने टोटल फ्रूट्स बोट किए 8 kg 550 ग्राम। तो ये टोटल फ्रूट आ जाएगा हमारे पास 4 kg and 800 grams oranges and 4 kg 150 grams bananas प्लस करेंगे, देखिए टोटल तो हमारे पास आ जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल फ्रूट्स बोर्ड टोटल करेंगे, देखिए ग्राम का ग्राम 0 + 0 = 0, 0 + 5 = 5, 8 + 1 = 9, केजी का केजी एज इट इज 4 + 4 = 8। तो हमारे पास आ जाएगा 8 kg 950 ग्राम टोटल फ्रूट जो सरला ने बोट किए वो 8 kg 950, और टोटल फ्रूट श्यामा ने जो बोट किए वो 8 kg 550 ग्राम। अब हमें ये बताना है कि किसका ज़्यादा है। अब देखिए 8 और 8 ये तो सेम है हमारे पास, लेकिन ग्राम के अंदर देखिए ये 550 ये 950, तो हमारे पास कौन सी मोर डिजिट होगी 950। इट मीन्स सरला बोट मोर, सरला बोट मोर फ्रूट्स देन श्यामा। दैट इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, प्लस करिए और फिर डिजिट हमें देखनी है कि किसका ज्यादा है। तो ये देखिए 8 kg 8 kg से 550 ये 950, और ग्राम्स के अंदर 950 मोर होता है, तो 8 kg 950 किसका ज्यादा है, सरला का। तो सरला बोट मोर फ्रूट्स देन श्यामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हमें बताना है कि कितना कम है 42.6 से कितना कम है। हाउ मच लेस मीन्स कितना कम है, ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कितना कम के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वाले डिजिट में से छोटी वाले डिजिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 42.6 किलोमीटर में से माइनस करेंगे 28। अब देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल आप लगा सकते हो अपनी तरफ से, 0.0 लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट वाले प्लस या माइनस करने के लिए
डेसिमल का बैलेंसिंग जरूरी, तो अपनी तरफ से आप 0.0 लगा सकते हो। अब माइनस करना है किलोमीटर का, तो किलोमीटर एज इट इज राइट कर दिया। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 6 ही आएगा हमारे पास। अब देखिए 2 है, ये 8 है, ये स्मॉल डिजिट है, तो नेक्स्ट इससे पहले वाली डिजिट से 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 1 इससे गया तो ये हो जाएगा 3। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास आंसर इज 14.6 किलोमीटर। तो कितना कम होगा 42.6 से 28, कितना कम होगा 14.6 किलोमीटर, दैट इज आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6, सेकेंड 8 मल्टीप्लाई 4.6, थर्ड 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो 1 by 1 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेसिमल का मल्टीप्लाई में आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें डेसिमल हटाना है फिर मल्टीप्लाई करना है। 0.2 मल्टीप्लाई 6 में सबसे पहले डी को डेसिमल हटाया हमने, डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है 1, तो अपॉन में 10 लगेगा। अगर डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने ही हम 0 लगा देते हैं, जैसे 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, और 3 है तो 1000। तो यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो अपॉन में हमने क्या लगाया 10। अब सिंपल 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके 10। अब देखिए वापस इसका डिवीजन भी इजी होता है 0, अगर अपॉन में 0 है तो उतनी 0 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे बैक साइड से काउंट कर। हेयर यहाँ पर 10 है तो बैक साइड से 1 डिजिट बाद आपके लगा दो डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। याद रहे बैक साइड से काउंट होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 10, तो एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो आएगा हमारे पास 1.2 आंसर। ऐसे ही आपको सेकंड परफॉर्म करना है, 8 मल्टीप्लाई 4.6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो अपॉन में क्या लगा 10। सिंपल 46 को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 6 48, 4 कैरी, 8 4 32, 32 + 4 36, और अपॉन में क्या है 10। अब सिंपल 1 डिजिट है डिवाइड में, तो बैक साइड से 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे हम, इट मीन्स 8 के बाद यहाँ पर 36.8 आंसर। अब आप सिंपल अगर 10 का डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा सर, लेकिन ट्रिक है हमारे पास, जीरोस की ट्रिक है, और अपॉन में 1 के साथ जितने 0 होते हैं उतनी ही बैक साइड से डिजिट बार पॉइंट लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड पार्ट 2.71 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही आपको करना है, सबसे पहले हमने डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद डिजिट कितनी 2, तो अकाउंट में क्या लगेगा 100। अब सिंपल 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 3 के भी 5 × 10, 10 + 3 = 30, अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में कितने 0, 2 0, तो बैक साइड से 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो पॉइंट क्या लगेगा 13.55 आंसर। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस अटेंड करने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना है।